हाय गाइस, आई एम अबूबकर और ये वीडियो जो है ठीक है वो ACCA की जो फर्स्ट बुक है उसके बारे में है। इस बुक का नाम F1 है। इसमें हम बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बुक का नाम बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी है और फर्स्ट जो चैप्टर है इसका बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस है। हम इस चैप्टर में, इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर की डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे हम बनाते हैं, ये होती क्या है, एंड आफ्टर दैट हम इसमें पढ़ेंगे इसके की फीचर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे होती हैं, एंड नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कितनी टाइप्स की होती हैं, ठीक है, उनके मकासद के अतबार से हम देखते हैं, उनके क्या क्या गोल्स होते हैं उस अतबार से आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट मेकिंग होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग होती है, ठीक है, इस तरह की इसमें डिटेल्स होगी। ठीक है ना, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो इसी तरह की बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल है ये ACCA की दो और बुक्स के अंदर भी है। एक बुक का नाम आपके पास है कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ जो कि F4 है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर आपके पास है, इसमें भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है ना, और नेक्स्ट आपके पास है F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है आपका, उसमें भी इसके बारे में डिफाइन किया है। ठीक है, तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इसमें आपके पास क्लब्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, चैरिटीज़ होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपके पास बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। चैरिटीज़, हॉस्पिटल और जो स्कूल्स होते हैं इनका जो मेन मकसद होता है, या क्लब्स जो होते हैं इनका मेन मकसद जो होता है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। इनका मेन मकसद जो होता है लोगों को सर्व करना होता है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना होता है और क्वालिटी को मेंटेन रखना होता है, नॉर्मल क्वालिटी प्रोवाइड करनी होती है, हाई क्वालिटी अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन डेफिनेशन है वो ये कि इसमें लोगों की परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जाता है एक ऐसी चारदीवारी के अंदर, एक ऐसे सेक्टर के अंदर। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग आप हायर करते हैं, जो वर्कफोर्स होती है, उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जाता है, उनको सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाया जाता है। ठीक है, और जिसको हम इंडक्शन प्लान भी पूरा कहते हैं, और उसके बाद आप उनको अरेंज करके आप एक मेन गोल जो होता है, ठीक है, उसकी तरफ फॉरवर्ड करवाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है उसको अचीव करना होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल जो होता है, ठीक है, वो प्रॉफिट मेकिंग बनाना भी होता है, प्रॉफिट मेकिंग फॉर द शेयर होल्डर ऑनर्स के लिए उन्होंने प्रॉफिट बनाना होता है। ये प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनका मेन गोल ये होता है। तो इस डेफिनेशन के तीन एस्पेक्ट्स हैं इसमें। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कलेक्टिव होते हैं, न तो हर बंदा उस गोल को अचीव करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास होता है इनका सोशल अरेंजमेंट होता है, लोग डिफरेंट स्किल्स से, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं और ये स्किल्स आपस में मिल के सैनर्जी इम्पैक्ट देती है, मतलब 1 and 1 जिस तरह 11 होता है। ठीक है, तो इसी तरह 1 and 1 मिल के 11 बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आपके जो डिफरेंट सेक्टर से लोग आते हैं उनकी डिफरेंट जो स्किल्स होती हैं वो मिल के ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन गोल्स होते हैं उनको फुलफिल करती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि इंजीनियरिंग के लोग होते हैं, इसमें फाइनेंस के लोग होते हैं, इसमें IT के लोग होते हैं, ठीक है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, तो वो सारे अपने अपना पार्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल होता है कि प्रॉफिट को मेंटेन करना, प्रॉफिट को अचीव करना और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट होती है उसको बेटर क्वालिटी की बना के कस्टमर तक देना होता है, ये अचीव होता है। ठीक है, तो इसके तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कलेक्टिव गोल। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने गोल्स के अतबार से ही जानी जाती हैं। ठीक है, जिस तरह आपके पास एक स्कूल है तो वो जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है, जो जितनी अच्छी एजुकेशन दे रहा होगा वो उतना ज़्यादा फेमस होगा। ठीक है, और तो स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है। हॉस्पिटल्स का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अच्छी सर्विसेज, मतलब पेशेंट्स को देना होता है ताकि वो उनको क्योर किया जा सके। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, इन्होंने अपनी प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबली कस्टमर तक पहुँचाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सोशल अरेंजमेंट। तो सोशल अरेंजमेंट का जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं और उनकी डिफरेंट स्किल्स होती हैं, वो मिल के काम करते हैं और उनका एक कॉमन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना, और ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल होता है वो शेयर होल्डर्स के लिए, मतलब ऑनर्स के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना होता है। ठीक है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है जो कि हायरार्की सिस्टम आप उसको कहते हैं, उसमें सबसे ऊपर CEO होता है, CFO होता है, एंड आफ्टर दैट डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स के बाद आपके पास मैनेजमेंट का स्टाफ आ जाता है, मैनेजमेंट के स्टाफ के बाद आपके पास नीचे वर्कर्स आते हैं। तो वो हायरार्की होती है, उनमें लाइन ऑफ अथॉरिटी डिफाइन कर दी जाती है,
ऊपर से लेके नीचे तक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है, और हर कोई अपनी जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उसके लिए वो लायबल होता है, उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंट्रोल परफॉर्मेंस। तो ये जब आप पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हो तो ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं उनकी ऑफकोर्स ह्यूमन बीइंग है, तो इसलिए उनकी परफॉर्मेंस को भी आपको कंट्रोल करना होता है। उनको सेल्स टारगेट्स दिए जाते हैं, उनको प्रोडक्शन टारगेट्स दिए जाते हैं, और उसके बाद देखा जाता है कि कहीं पर डेविएशन तो नहीं हो रही, वो उन टारगेट्स को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक पूरा सिस्टम ऑफ प्रोसीजर्स के साथ आती है, और जो वो मतलब मेन गोल उन्होंने अचीव करना होता है वो उसको अचीव करने की कोशिश करती है, ठीक है, और उनके जो टारगेट्स होते हैं उनको उनका स्टाफ जो होता है वो फुलफिल करता है। ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप की हो उनमें कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, लाइक इनपुट लेते हैं वो, उसको उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं आउटपुट के अंदर, और आउटपुट वो डिलीवर कर देते हैं। तो हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें वो रॉ मटेरियल लेते हैं, ठीक है, और रॉ मटेरियल के ऊपर वर्किंग करते हैं, लेबर फोर्स लगती है उसके ऊपर, और उसके साथ मशीनरी का कुछ पार्ट उसके ऊपर लगता है, मशीन मतलब कंट्रीब्यूट करती है अपने, और उसके बाद वो फिनिश गुड्स मतलब कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाती है, उसकी पैकिंग होती है, और आफ्टर दैट वो कस्टमर्स को बेच दी जाती है। इस तरह अगर अकाउंटेंसी फर्म की बात करते हैं, अकाउंटेंसी ट्रेनिंग जिस तरह ACCA इनकी बात करते हैं, ये स्टूडेंट्स लेते हैं, सिलेबस इनके पास होता है, दोनों को मर्ज करते हैं और उनके ऊपर वर्किंग करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, एंड आफ्टर दैट वो इसको ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो कि क्वालिफाइड अकाउंटेंट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इलस्ट्रेशन है इसकी, फुटबॉल टीम की उसने इलस्ट्रेशन ली हुई है, तो हम भी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं जो कि डिफरेंट स्किल्स के मालिक होते हैं, ऑनर्स होते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अपने मुखालिफ के खिलाफ गोल करना होता है, ठीक है, टू डू दिस जॉब प्रॉपरली। इस जॉब को प्रॉपरली करने के लिए हर जो टीम का मेंबर होता है उसके अंदर डिफरेंट स्किल्स होती हैं, वो स्किल्स जो आपके पास होती हैं, डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं, डिफरेंट स्किल्स होती हैं, उसके ज़रिए वो अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, और हर मेंबर जो होता है वो अपना पार्ट प्ले कर रहा होता है इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर, एंड स्किल्ड इन अ डिफरेंट टास्क, ठीक है। मतलब गोल कीपर जो होता है उसको लाइन को कंट्रोल करने का टास्क दिया जाता है, ठीक है, कि इससे आगे नहीं मतलब बॉल आनी चाहिए, ठीक है, और इसी तरह बाकी जो होते हैं वो आपस में एक टीम स्पिरिट के साथ लेके चलते हैं और जो मेन गोल होता है उसको फुलफिल करते हैं। तो हम पहली अंडरस्टैंडिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वो कह रहा है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ी है इसमें सब तीनों में से कौन कौन इसके ऊपर पूरा उतर रहा है, ठीक है। तो उसने शुरू में बता दिया था कि सोल ट्रेडर जो होता है ये आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसमें अकेला बंदा काम कर रहा होता है और उसने अपने नीचे अगर मुलाजम भी रखे होते हैं, ठीक है, तो उनका भी मेन उनको सोशली रेंज नहीं किया जा सकता होता है, या वो मेन उनका जो गोल होता है वो फुलफिल नहीं हो रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के मुताबिक नहीं होता, ठीक है। टेनिस क्लब और हॉस्पिटल ये दोनों इसके अंदर आते हैं, तो हमारा जो इसका आंसर है वो सी आंसर है, टू एंड थ्री ऑप्शन। ऑर्गेनाइजेशन की हमें क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि हम अकेला बंदा सारे काम नहीं कर सकता होता, उसके पास एक स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं हो सकती होती, तमाम की तमाम स्किल्स नहीं हो सकती होती, एक आधी स्किल या एक जो दो स्किल्स इंसान अचीव कर सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा स्किल मतलब स्किलफुल पर्सन नहीं हो सकता, महारत नहीं रख सकता होता। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन का पहला जो पॉइंट है उसमें यह कि आपके पास स्किल्स और नॉलेज जो डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं वो आपस में शेयर कर लेते हैं, वो मिल के अपना जो मेन काम होता है उसको फुलफिल करते हैं। नॉलेज कैन आल्सो बी शेयर बिटवीन ऑल द पीपल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम जो लोग होते हैं वो नॉलेज को शेयर कर रहे होते हैं, और ये जो उनका मेन टास्क होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसको फुलफिल करने में हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास है स्पेशलाइज, ठीक है, तो हर बंदा जो होता है वो एक आधी चीज़ के अंदर स्पेशलाइज होता है, एक दो चीज़ों के अंदर स्पेशलाइज होता है, ठीक है, तो वो उन चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकता होता है। जो मैंने आपको पहले बताया कि एक एक 11 होते हैं, तो हर कोई मतलब मिल के जब काम करता है तो वो चीज़ों को ज़्यादा क्वालिटी वाइज बना देते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पूरे रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन की इसलिए भी हमें ज़रूरत होती है कि हमारे पास टाइम और रिसोर्सेज जो है वो मनी जो है, ठीक है, वो एक जगह पे पूल हो जाती है और आपको सैनर्जी इम्पैक्ट आ जाता है। सैनर्जी इम्पैक्ट का मतलब है कि तमाम आपके पास पॉजिटिव जो होते हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, दो या तीन या दस लोग जो हैं या 50 लोग हैं, ठीक है, उनकी जो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं और नेगेटिव उसमें इग्नोर हो जाती हैं। अगर एक बंदा एक चीज़ के अंदर लैग कर रहा है उसमें उसकी मतलब इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जिस दूसरे बंदे की उसमें इफेक्टिवनेस होगी वो उस काम को बेहतर तरीके से कर सकेगा और वो उसके उसको दूसरे को सिखा भी सकेगा।
नेक्स्ट उसने कहा कि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू, हम दूसरी अंडरस्टैंडिंग इसकी करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक मतलब एक सोशल इवेंट उसने ऑर्गेनाइज़ किया, विच ऑफ़ द फॉलोइंग वुड बी बेनिफिट ऑफ हिम फॉर्मिंग अ कमेटी, ठीक है, कमेटी बनाई है उसमें टू मैनेज द प्लानिंग प्रोसेस एंड द इवेंट इटसेल्फ, ठीक है। तो ये चार पॉइंट्स है उसके बारे में उसने पूछा है कि आपने इसको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो फर्स्ट जब एक कमेटी बनाते हो तो ये आपकी क्या हेल्प करती है, या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो ये आपकी क्या हेल्प करती है, ठीक है। तो इसमें जो एक दूसरे की लिमिटेशंस होती हैं वो ओवरकम हो जाती हैं, और लोग स्किल्ड लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और डिफरेंट उनकी स्किल्स होती हैं उनके पास, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरा इनमें टाइम सेफ होता है क्योंकि मिलके काम कर रहे होते हैं, एफर्ट्स मिलके कर रहे होते हैं। तीसरा इस पॉइंट जो है इसके अंदर इट वुड हेल्प टू सेटिस्फाई द डेनियल सोशल नीड, ठीक है। तो इनकी सोशल नीड्स भी आपस में फुलफ़िल हो जाती है, एक दूसरे की मिलने की जो ह्यूमन बींग में नीड होती है वो भी फुलफ़िल हो जाती है। चौथा पॉइंट है ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी वुड हैव टू बी स्किल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजिंग द सोशल इवेंट, ठीक है। तो एक ही बंदे के अंदर तमाम क्वालिटीज़ नहीं हो सकती होती, इसलिए ये चौथा पॉइंट जो है ये रॉन्ग है। पहले तीन पॉइंट जो हैं वो ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन बनता है आपके पास। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो मैं अगली वीडियो में इसको डिफाइन करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।